राम राम सभी को, स्वागत है आज के इस वीडियो में। और पेंसिल ड्राइंग में शेड्स का बहुत ही बड़ा रोल है। आप ड्राइंग्स में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के शेड देखते होंगे। जैसे मैंने रिसेंटली एक ड्राइंग कंप्लीट करा है जिसमें आप देख सकते हो, तो आप इस ड्राइंग में देखोगे शेड्स दो तरह की है, एक डार्क है एक लाइट है। और किसी किसी जगह पे आप लाइट और डार्क दोनों का ट्रांजिशन देख पा रहे होगे, जैसे फेस पे है और भी क्लोथ्स पे है, यहाँ पे भी है। तो इन्हीं लाइट एंड डार्क शेड्स का यूज करके ड्राइंग पे हम लोग रियलिस्टिक का इफेक्ट लाते हैं या फिर ड्राइंग में डेप्थ क्रिएट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट शेड्स की पेंसिल किस तरह से वर्क करती है और हम चाहें तो उनका यूज किस तरह से कर सकते हैं। अगर आपके पास सिर्फ एक पेंसिल है तो भी आप ड्राइंग कर सकते हो, शेडिंग कर सकते हो। सिर्फ एक पेंसिल से भी डिफरेंट डिफरेंट शेड्स क्रिएट किए जा सकते हैं। जैसे ये इतने सारे आपको शेड्स दिख रहे होंगे, लेकिन जो भी एक रो में है वो सभी एक एक पेंसिल का है। जैसे ये 4H है, ये 2H है, ये HB है, ये 2B है, ये 4B है, ये 6B है, ये 8B है, ये 10B है। जिस तरह से नंबरिंग है उस हिसाब से ये डार्क होते गया है। और ये सिर्फ एक पेंसिल का शेड है, ये सिर्फ एक पेंसिल का शेड है। यानी अगर आपके पास कोई अगर एक पेंसिल भी है तो उस एक पेंसिल से भी आप डिफरेंट डिफरेंट शेड्स क्रिएट कर सकते हो। बट अगर आपको और भी वैरायटी चाहिए तो आपको ड्राइंग पेंसिल्स यूज करनी होगी, जिनका यूज करके आप कुछ इस तरह से शेड्स को डिफाइन कर सकते हो अपने अनुसार। ये मैंने 4 लेवल्स में किया है, आप चाहो तो एक्स्ट्रा और भी कर सकते हो, 4 लेयर्स 10 लेयर्स में भी कर सकते हो, आप जितनी बड़ी चार्ट बनाना चाहो बना सकते हो। तो सबसे पहले इस चार्ट को प्रिपेयर करते हैं। और ये जो भी ग्रेडिंग मैंने यहाँ पे लिखा है ये सभी पेंसिल्स पे भी होती है। जैसे इस वाले पे 2B लिखा हुआ है, इस वाले पे 6B, इस वाले पे 4B, लास्ट 10B। किसी और ब्रांड के भी देख लो, जैसे मेरे पास ये भी है, इसके भी ऊपर आप देखोगे, अभी मैंने इसको एक बार यूज नहीं करा है, इसके ऊपर भी लिखा हुआ है शेड्स, इसके ऊपर भी लिखा हुआ है डिफरेंट डिफरेंट शेड्स। तो आप जो भी पेंसिल यूज करो उस पे शेड्स लिखा होगा, उन शेड्स को देख करके इजीली आप समझ पाओगे कि किस पेंसिल का यूज करके हम डार्क कर सकते हैं, किसका यूज करके हम लाइट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और शेड करके देखते हैं कितनी तरह के शेड्स हो सकती है और इनको हम ड्रॉइंग में किस तरह से यूज करेंगे। ये वाला पेंसिल टोम्बो मोनो का है, तो लाइटेस्ट के लिए हम इसका यूज करेंगे क्योंकि यह 4H है। 4H यानी हार्ड पेंसिल, और हार्ड पेंसिल लाइट चलता है, काफी लाइट शेड होता है इससे। तो सबसे लास्ट में इसको टेस्ट करेंगे। तो इस वाले सेट में सबसे डार्क 10B है यानी ब्लैक। तो चलिए इन सबसे सेट करके देखते हैं। आप देखो कि पेंसिल्स डिफरेंट हैं शेडिंग में या फिर सेम है। कैमरे में देखा जाए तो ये दोनों सेम लग रहा है, चाहे 2H हो चाहे HB हो। और थोड़ा सा ये अलग है और उससे थोड़ा सा अलग ये है, थोड़ा सा डार्क है, कहने का मतलब 6B और 8B एग्जैक्टली सेम लग रहा है, कोई भी डिफरेंस नहीं महसूस हो रहा है मुझे। तो सिर्फ यहाँ डार्क वाले में थोड़ा सा लग रहा है, कैमरे में पता नहीं कैसा लग रहा हो, बट देखो 6B और 8B का सेम लग रहा है, ऊपर 2H और HB का सेम लग रहा है, 2B का इससे थोड़ा लाइट ही लग रहा है। तो इसी तरह का चार्ट इस वाले पेंसिल का भी यूज करके मैं क्रिएट करके देखूंगा कि पेंसिल की प्रॉब्लम है या फिर मैंने शेडिंग ही गलत करा है। सिंपली मैंने इसको 4 लेयर्स में यूज करके देखा है, आप इसको और एक्स्ट्रा भी करके देख सकते हो। तो चलिए अब इन पेंसिल्स को ड्रॉइंग में भी यूज करके देखते हैं। आराम से बात करना है, तू कहाँ बड़ा, तू बड़ा चंद्रयान पर गई बनी, चंद्रमा पर कैसे गई लो बताओ। ना हो अजित मैं पढ़त रह अपना रूम में, पढ़त नहीं तू फोन कर दो तो बतिया नहीं लगनी ए मत असही कहो एक और बटे रहो वो और भी आपको यहाँ पे कुछ
ड्रॉइंग्स दिखा दे रहा हूँ जिनमें आप देख लो किस तरह से शेड्स का यूज किया गया है, डार्क और लाइट। सो अगर यह वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा है या फिर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा और प्लीज कमेंट भी बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा और प्लीज कुछ ना कुछ कमेंट जरूर कीजिएगा। कमेंट्स पढ़ के बहुत अच्छा लगता है, जिससे हमें सपोर्ट मिलता है, मोटिवेशन मिलता है, तो आप कमेंट जरूर से कीजिएगा। और अगर चाहो तो इस वीडियो को किसी के साथ शेयर भी कर देना और भी ऐसी वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप नहीं पहुंच रास्ता से दूर है।